गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स सो यस्टे वी डिस्कस्ड अबाउट द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल सो फर्स्ट यू जस्ट रिकैप्चुलेट दैट व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल सो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में हमने एक टर्म कंसीडर की थी सोर्स चार्ज ठीक है जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है वो हमेशा एक सोर्स चार्ज को होता है तो मैंने आपको सिंपल एक डेफिनेशन करवाई थी इसकी कि आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या टर्म है तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एक सिंपली हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड बनाते हैं तो इलेक्ट्रिकल फील्ड के बाहर अगर हम खड़े हैं तो स्मॉल आर जो है वो डिस्टेंस लेते हैं हम ठीक है तो जब हम जब भी हम इलेक्ट्रिकल फील्ड के वी आर स्टैंडिंग आउटसाइड द इलेक्ट्रिकल फील्ड देन वी टेक स्मॉल आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी ओके सो इन दिस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द टू बेसिक स्टेप दैट इज वेन एवर यू आर प्लेसिंग अ टेस्ट चार्ज इन साइड द इलेक्ट्रिकल फील्ड देन ऑलवेज रिमेंबर दैट दैट टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस द टू टाइप ऑफ फोर्सेस. फर्स्ट वन इज द इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड सेकेंड वन इज द एक्सटर्नल फोर्स ठीक है इफ द सोर्स इज प्लस क्यू देन दिस प्लस क्यू ऑलवेज ट्राई टू रिपेल दिस टेस्ट चार्ज एंड एक्जर्ट अ कूलम फोर्स ऑफ रिपल्शन. जिसको हम इलेक्ट्रिकल फोर्स भी बोलते हैं एंड इफ यू वॉन्ट टू मूव दिस टेस्ट चार्ज इन साइड द इलेक्ट्रिकल फील्ड और टू द सोर्स दैन यू हैव टू एक्जर्ट अक्सटर्नल फोर्स ऑन दैट टेस्ट चार्ज ओके okay, सो so आपके पास दो तरह की फोर्सेस आती है फिर आपने नेक्स्ट स्टेप देखना है कि इफ यू आर कंसीडरिंग दिज टू फोर्सेस ऑन अ टेस्ट चार्ज देन वी हैव टू टाइप ऑफ वर्क डन वेन एवर यू आर कंसीडरिंग द इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज देन यू आर सींग दैट द टेस्ट चार्ज इज मूविंग टू वर्ड्स प्लस क्यू इन दिस केस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल फोर्स बोथ आर एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एंड वी टेक एंगल इज इक्वल टू वन इन दिस केस वैन यू आर कंसीडरिंग द वर्क डन बा इलेक्ट्रिकल फोर्स दैन द वर्क डन इज ऑलवेज नेगेटिव ठीक है क्योंकि फोर्स और डिसप्लेसमेंट बोथ आर एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन बट इफ यू आर कंसीडरिंग द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स दैन द एक्सटर्नल फोर्स एंड द डिप्लेसमेंट बोथ आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन एंड इन दिस केस द एंगल बी कम जीरो डिग्री एंड कॉल जीरो इज इक्वल टू प्लस वन एंड यू हैव पॉजिटिव वर्क डन ओके तो आपके पास जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आप क्या चीज बोलते हैं जो आप इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल देखते हैं उसमें मैंने आपको बोला था इट इज़ द सिंपली वर्क डन जो आप टेस्ट चार्ज है जब आप इन्फिनी से किसी पॉइंट के अंदर लेके आते हैं लेकिन वो पॉइंट कहाँ होना चाहिए फील्ड के अंदर होना चाहिए तो फील्ड के अंदर आपने पॉइंट यहाँ कंसीडर कर लो या यहाँ कंसीडर कर लो या यहाँ कंसीडर कर लो अगर आप निकालना चाहते हो पोटेंशियल तो आपको फील्ड के अंदर एक पॉइंट कंसीडर करना पड़ता है एक आता है पोटेंशियल एक आता है पोटेंशियल डिफरेंस बोथ आर स्लाइटली डिफरेंस टर्म ठीक है वैन यू आर Calculating the electrical potential, then you have to consider one point inside the electrical field. But if you are calculating the electrical potential difference, then you have to consider the two points inside the electrical field. ठीक है वो मैं आगे करवाऊँगी. लेकिन अभी आपने देखना है कि potential जो हो किसी एक point पे देखा जाता है. तो जब हमने electrical potential निकालना होता है, तो electrical potential का symbol आपको मैंने क्या दिया था? V दिया था. ठीक है? It is always equal to work done. वर्क डन होता है जो हम किसी भी टेस्ट चार्ज को कहाँ से लाते हैं इन्फिटी से लेके किसी भी पॉइंट के अंदर जो कि इनसाइड द इलेक्ट्रिकल फील्ड होना चाहिए वहाँ तक का जो वर्क डन होता है वो हमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल देते हैं तो मैं इसको यहाँ लिख रही हूँ फॉर एग्जाम्पल आप इन्फिनीटी से उठा के लाए हैं बॉडी को और कहाँ तक लेके आना पी पॉइंट तक तो वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज और ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी ये मैंने इन्फिनिटी लिखा है इन्फिनिटी से पी पॉइंट किसको लेके आते हैं आप टेस्ट चार्ज को सो द पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज इट इज द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ठीक है फिर ये मैंने आपको जनरल सिर्फ रिवाइज करने के लिए बोला था कि आप सिर्फ ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है वो अगर आपने निकालना है तो आप रिपल्सिव फोर्सेस से देख सकते हो ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बोला था लिखेंगे नहीं आप ठीक है तो कल मैंने बोला था कि जब आप रिपल्सिव पावर को देखते हैं रिपल्सिव फोर्सेस को देखते हैं तो आपको पता है जब आप क्योंकि पोटेंशियल होता क्या है वो होता है वर्क डन ठीक है इट इज़ द वर्क डन ओवर अ टेस्ट चार्ज ये आपके पास पोटेंशियल है तो टेस्ट चार्ज पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये तो वैसा ही रहेगा लेकिन अगर आपका वर्क डन के मैग्नीट्यूड पे कम ज्यादा हो जाता है तो ऑब्वियसली बात आपका पोटेंशियल भी क्या हो जाता है चेंज हो जाता है ठीक है आप ध्यान से सुनना तो कल मैंने आपको ये बोला था कि अगर आप एक प्लस क्यू चार्ज कंसिडर कर रहे हो और एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनीटी से या आउटसाइड से फील्ड से उठा के आप प्लस क्यू की तरफ लेके जा रहे हो इनसाइड द फील्ड लेके जा रहे हो तो आपको मैंने बताया था कि जब आप प्लस क्यू नॉट को प्लस क्यू के पास लेके जाते हो तो ये उस पर क्या चीज एग्जर्ट करता है ये उस पर रिपल्सिव फोर्सेज लगाता है जिसको हम कौन सी वाली फोर्स बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स मीन्स रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्सेज जो भी आप दोनों को आप इलेक्ट्रिकल फोर्स बोलते हैं तो जब आप इसको इसके पास लेके जाओगे तो आपको इसके पास लेके जाने के लिए आपको इस पर क्या चीज एग्जर्ट करनी पड़ती है एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ती है तो जैसे जैसे आप अंदर की तरफ चलते जाते हो वैसे वैसे इलेक्ट्रिकल फोर्स यानी कि रिपल्सिव फोर्स जो है क्योंकि तो मैंने आपको कल ही बता दिया था वन बाय फोर पाई अपल एन नॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्र आर पे डिपेंड करता है तो इस केस में जैसे जैसे आर अंदर जा रहे हो आप आर क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है और अगर आर डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रिकल फोर्स भी क्या हो जाएगी बढ़ती जाएगी अब ध्यान से सुनना जब आप इस टेस्ट चार्ज को उठा के अंदर की तरफ लेके जा रहे हो तो जब आप अंदर की तरफ लेके जा रहे हो तो ये बोल रहा है कि मेरे पास नहीं लेके आना है उसको लेकिन फिर भी आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो तो आप उस पर दो चीजें कर रहे हो एक, एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो किसके अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो इस इलेक्ट्रिकल फोर्स के अगेंस्ट ये इसको रिपेल कर रही है और अपने पास आने से रोक रही है तो आप उसको एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो अगेंस्ट दिस एक्ष् फोर्स तो आप इस पर फोर्स लगा रहे हो और साथ में डिस्प्लेसमेंट भी कर रहे हो यानी कि आपने दो चीज़ें की फोर्स भी लग रही है ठीक है और साथ में डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है मतलब आप टेस्ट चार्ज पे क्या चीज कर रहे हो वर्क डन कर रहे हो ठीक है और आपको एलेवंथ में भी कराया था वेन यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क ऑफ ओवर अ पार्टिकल और ए बॉडी देन दैट वर्क डन इज़ ऑलवेज स्टोर्ड इन दैट बॉडी इन द फॉर्म ऑफ इट्स एनर्जी तो एनर्जी की फॉर्म में वो स्टोर जाते हैं अब नई टर्म क्या आती है एक होता है पोटेंशियल और एक होता है पोटेंशियल एनर्जी लेकिन यहां पे आप पोटेंशियल एनर्जी नहीं बोलोगे यहाँ पे चार्जेस है तो यहाँ पे आप बोलोगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी तो जब आप ये पोटेंशियल सोर्स चार्ज का होता है जब आप इसको अंदर की तरफ लेके आ रहे हो तो मैंने आपको बोला आप इस चार्ज पे वर्क डन कर रहे हो वर्क डन आप दो तरीके से निकाल सकते हो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स भी हो सकता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स भी हो सकता है जो कल लिखवा चुकी हूँ आपको दोनों वर्क डन जो है वो मैग्नीट्यूड बराबर होता है भी बताऊंगी कैसे ठीक है तो पर आप इस पर वर्क कर रहे हो ठीक है जो भी आप चार्ज पे वर्क करोगे वो वर्क जैसे यहां से ए पॉइंट पे लेके आए आप तो आपको वर्क दन करना पड़ा होगा ठीक है वो वर्क जो है वो इस चार्ज के अंदर उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाएगा स्टोर हो जाएगा जिस पोटेंशियल एनर्जी को हम कौन सी एनर्जी बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ठीक है अब ऑब्वियस ही बात है जब आप इसको यहां से यहां लेके आओगे ठीक है तो जब आप यहां से यहां लेके आ रहे हो तो ये तो उसकी रिपल्सिव फोर्स बढ़ रही है क्योंकि प्लस और प्लस तो एक दूसरे के पास आते नहीं है तो जब ये प्लस क्यू नॉट इसके पास जा रहा है तो जब अंदर जा रहा है तो रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ रही है तो ऑब्विय बात आपको जोर भी ज्यादा लगाना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्स कैसे लगानी पड़ेगी ज्यादा जैसे जैसे आप अंदर जाओगे क्योंकि इस केस पे प्लस और प्लस रिपेल कर रहे हैं तो आपको एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा लगानी पड़ रही है और अगर एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा लगेगी तो वर्क डन क्या चीज़ होती है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अगर एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा लग रही है या इलेक्ट्रिकल फोर्स ज्यादा लग रही है तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है ए से बी के केस में रिपल्सिव फोर्सेज बढ़गी तो वर्क डन भी क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो जब आप यहां पे ए से बी की तरफ आ रहे हो बी से सी की तरफ आ रहे हो तो इस केस में आपको मैंने बताया है कि रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ जाती हैं ठीक है जब वो उसको आने नहीं देगा तो आपको काम कैसा करना पड़ेगा ज्यादा करना पड़ेगा तो ए पे कैसा काम होगा रिपल्सिव फोर्सेस थोड़ी सी कम होगी तो काम भी थोड़ा सा कम करना पड़ेगा जब आप बी पे आ जाओगे तो रिपल्सिव फोर्सेस और इंक्रीज हो जाएगी और अगर रिपल्सिव फोर्सेज इंक्रीज हो जाएगी तो आपका वर्कडन भी क्या हो जाएगा इंक्रीज सी पॉइंट पे और ज्यादा हो जाएगी तो सी पॉइंट पे आपका वकडन और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है वर्कडन एट ए पॉइंट पे सबसे कम आएगा क्योंकि रिपल्सिव फोर्सेज कम है यहां जाओगे तो अंदर की तरफ रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ रही है तो वर्क डन भी क्या होगा बढ़ता जाएगा तो यहां पे मैंने एक चीज़ लिखी कि वर्क डन एट पॉइंट सी इज ग्रेटर देन बी और यहाँ पे ए सबसे कम वर्क डन ए पॉइंट पे ठीक है तो जितना वर्क डन होता है वो वर्क डन उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे सी पे वर्क डन ज्यादा है तो सी पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी और बी पे कैसी होगी थोड़ी सी कम और सबसे कम कहाँ होगी ए पॉइंट पे तो जब आप पोटेंशियल एनर्जी निकालते हो तो जब आप फील्ड के अंदर जाते हो तो फील्ड के अंदर चार्ज के अंदर पास जो है वो पोटेंशियल एनर्जी एक जैसी नहीं होती डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी वेरी करती जाती है तो प्लस क्यू के केस में वैन यू आर मूविंग इन साइड द इलेक्ट्रिकल फील्ड देन ऑलवेज रिमेंबर दैट द रिपल्सिव फोर्सेज आर इंक्रीजिंग वो बढ़ती जाती है रिपल्सिव फोर्सेज बढ़ती जाएगी तो वर्क डन भी बढ़ता जाएगा ठीक है तो मैंने आपको कल ही कराया था ये चीज ये देखो ध्यान से जब आप अंदर जा रहे हो तो रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ रही है तो आपको अंदर मूव करवाने के लिए काम भी कैसा करना पड़ेगा ज्यादा करना पड़ेगा ठीक है और काम जो आप किसी टेस्ट चार्ज पे करते हो उसको आप पोटेंशियल बोलते हो तो चार्ज तो वैसा रह रहा है जब आप अंदर जा रहे हो तो वक़न क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है पोटेंशियल भी क्या होता जाएगा इंक्रीज होता जाएगा देखो ये देखो इंक्रीज होता गया तो पोटेंशियल भी क्या होता जाएगा इंक्रीज कल मैंने आपको वर्क डन का एग्जाम्पल नहीं दिया था सिर्फ इतना बोला था और मैंने आपको जनरल से समझाया था और मैंने इसमें नहीं होना है पोटेंशियल जो है उसको मैं फोर्स के साथ कंपेयर कर रही हूँ जबकि पोटेंशियल फोर्स नहीं होता है लेकिन मैंने सिंपल सी बात बोली थी कि जब आप पोटेंशियल की बात देखते हो तो पोटेंशियल का लेना देना होता है वर्क डन के साथ और वर्क डन का लेना देना होता है फोर्स के साथ तो कल मैंने रिपल्सिव फोर्स का एग्जाम्पल लेके समझाया था आज दोनों से समझा दिया दोबारा से सुन लो इसको कि जब आप प्लस क्यू के केस में अंदर की तरफ जाते हो तो रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाती है तो आपको वर्क डन भी कैसा करना पड़ेगा ज्यादा करना पड़ेगा और जितना ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा पोटेंशियल होगा इसलिए जब हम प्लस क्यू के केस में इनसाइड द इलेक्ट्रिकल फील्ड जाते हैं तो जो आपका पोटेंशियल है वो क्या होता है इनक्रीज हो जाता है क्लियर अच्छा जो मेरे पास माइनस क्यू था तो माइनस क्यू के, के केस में जब आप अंदर की तरफ चलते हो तो माइनस क्यू और प्लस क्यू के पास अट्रैक्टिव फोर्सेस आती है रिपल्सिव तो आती नहीं है तो आपने पोटेंशियल को रिपल्सिव फोर्सेस के साथ देखना होता है तो मैंने आपको कल सिंपल सा बताया था व्हेन यू आर मूविंग इनसाइड द इलेक्ट्रिकल फील्ड इन केस ऑफ माइनस क्यू चार्ज देन यू आर सींग दैट दर अट्रैक्टिव फोर्स इज इनक्रीजिंग लेकिन अगर अट्रैक्टिव बढ़ रही है तो रिपल्सिव क्या हो रही होगी कमी हो रही होगी ना अगर अट्रैक्शन है और रिपलशन है अगर आप किसी के पास जा रहे हो अट्रैक्शन इंक्रीज हो रही है बढ़ रही है तो रिपल्शन क्या हो रही होगी डिक्रीज हो रही है जैसे यहाँ पे अंदर जब जा रहे हो तो रिपल्शन फोर्सेस इंक्रीज़ हो रही है तो अगर मैं पूछूँ अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या हो रही होगी तो वो इंक्रीज थोड़ा ना हो रही होगी वो क्या हो रही होंगी वो डिक्रीज हो रही होंगी इस केस में अट्रैक्टिव बढ़ रही है तो रिपल्सिव क्या होगी डिक्रीज़ और अगर रिपल्सिव फोर्सेज डिक्रीज हो जाएंगी आप यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज को आप मूव करवा रहे हो जैसे जैसे आप पास लेके जा रहे हो तो रिपल्सिव फोर्सेज कम होती जा रही हैं जब कोई टेस्ट चार्ज को अपने पास आने से रोकता है तो आपको ज़्यादा काम करना पड़ता है यहां पे जैसे आप अंदर जा रहे हो तो वो रिपेल उसको कम कर रहा है तो अगर रिपेल कम करेगा ठीक है तो आपको इस पे अंदर की तरफ एक्सटर्नल फोर्सेस भी कैसे लगानी पड़ेगी कम ही लगानी पड़ेगी ठीक है अंदर की तरफ क्या होगी डिक्रीज होती जाएगी और अगर फोर्सेस डिक्रीज होती जाएगी तो ऑब्वियस ही बात है डन भी कैसा होता जाएगा डिक्रीज होता जाएगा तो वर्क डन जब डिक्रीज होगा तो वर्क डन डिक्रीज हुआ तो पोटेंशियल भी क्या होगा डिक्रीज होगा ठीक है इस केस पे बहुत सिंपल सी बात वर्क डन एट पॉइंट सी इज लेस देन वर्क डन एट पॉइंट बी इज लेस देन वर्क डन एट पॉइंट ए इसीलिए वर्क डन कम कम है वैसे ही पोटेंशियल भी क्या होगा कम तो जब आप अंदर की तरफ जाते हो तो आप किसकी तरफ चलते हो डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ चलते हो और प्लस क्यू केस में कौन से पोटेंशियल की तरफ चलते हो आप इंक्रीजिंग पोटेंशियल ठीक है दूसरी चीज आती है आपने कंफ्यूज नहीं होना है एक पोटेंशियल एनर्जी है एक पोटेंशियल है पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज़ होती है वर्क डन होता है तो आपको देखा यहां से ए पॉइंट पे वर्क डन कैसा होगा क्योंकि रिपल्सिव फोर्सेस डिक्रीज हो रही है रिपल्सिव फोर्सेस डिक्रीज होगी तो आपके एक्सटर्नल फोर्स भी डिक्रीज होगी और अगर एक्सटर्नल फोर्स डिक्रीज होगी तो वर्क डन भी डिक्रीज होगा तो जब आप अंदर की तरफ जा रहे हो तो आपका इस केस में वर्क डन क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है इस केस में वर्क डन क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है तो जब आप इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की बात यहां करोगे ठीक है क्योंकि काम तो इस पे भी हो रहा है तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी और इसके पास भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी लेकिन अगर आपको बोला जाए कि कहां पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर ज्यादा होगी तो यहां पे प्लस के केस में सी पॉइंट पे ज्यादा वर्क डन है तो सी पॉइंट पे वर्क डन को सिर्फ वर्क डन को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं तो यहां पर सी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी क्योंकि वर्क डन ज्यादा है इज ग्रेटर पोटेंशियल एनर्जी एट बी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी एट सी वैसे अगर यहां देखोगे तो यहां पे क्या है मेरे पास वर्क डन जो है सी पे कम है बी पे थोड़ा सा ज्यादा है ए पे सबसे ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है पोटेंशियल एनर्जी सी पे कैसी होगी सबसे कम बी पे कैसी होगी ज्यादा और सबसे ज्यादा कहां होगी ए वाले पॉइंट पे ठीक है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी सिंपली अ वर्क डन किस पे ऑन अ टेस्ट चार्ज लिख दो ऑन अ टेस्ट चार्ज ठीक है और जो आपका पोटेंशियल होता है सिर्फ पोटेंशियल पोटेंशियल को वी से रिप्रेजेंट करना इट इज द वर्क डन ओवर अ टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में सिर्फ वर्क डन देखना और पोटेंशियल में वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज पोटेंशियल एनर्जी किसकी होती है टेस्ट चार्ज की जिसको हम मूव करवा रहे हैं काम किस पे कर रहे हैं हम टेस्ट चार्ज पे कर रहे हैं फोर्स उस पर लग रही है मूवमेंट उसके सोर्स चार्ज तो वही बैठा हुआ है तो यहां पे वर्क डन किस पे हो रहा है टेस्ट चार्ज पे हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी किसकी होगी सिर्फ टेस्ट चार्ज की होगी लेकिन पोटेंशियल किसका होता है सोर्स चार्ज का होता है ठीक है तो ये दो चीजें आपने याद रखनी है और इसकी डेफिनेशन खुद लिख लेनी है और इसकी भी खुद लिख लेनी है ठीक है